पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या है? किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? इनफिल्ट्रेशन। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? अंतःप्रसरण। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? 6 अगस्त 2021 में। नाम बदल चेंज भइले। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद 6 अगस्त 2021। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटता है। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? दूसरा राज्य कही आंध्र प्रदेश। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम तत्व हाइड्रोजन, अंतिम तत्व थोरियम। थोरियम के 56 होला ना? चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लोकू चले अरुणाचल प्रदेश में। चलो लोकू त्योहार अरुणाचल प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल। पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? पतला तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। पतला तार में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होला। एगो चंदन के लकड़ी कौन से वन में पाया जाता है? ऑप्शन में रहे सदाबहार, पतझड़ और पर्णपाती वन। तीन गो रहे लीवर में एसीआर का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? एसीआर के सरकुओं के लीवर में एसीआर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विष माने जहर और औषधि का विषण करता है। एसीआर विष और औषधि का विषण करता है। ओम का नियम क्या है? वी बराबर हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक। फोटोग्राफी में कौन सा बिलियन का उपयोग होता है? सिल्वर क्रोमाइड। सिल्वर क्रोमाइड चला जाए। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया? बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कौन भाषा में दिया गया? 22 भाषा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरण के किस कारण बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन कारण बनता है? जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य
कितने डिग्री का कोण बनता है? जीरो डिग्री। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरी आपतन और परावर्तन कोण के बीच जीरो डिग्री का कोण बनता है। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? पर्दा पर जो प्रतिबिंब बनला कैसा होला? वास्तविक। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा? धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? किंडल प्रभाव। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? किंडल प्रभाव। क्वेश्चन पर ध्यान नहीं करते फ्लैश लाइट लगा के चलते हो जाता है। एक गौतम दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता के परे। वक्रता केंद्र से दूर परे। वास्तविक उल्टा और बड़ा हुई। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखल जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनी वास्तविक उल्टा और बड़ा। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्तर क्रमित कौन करता है? राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संस्था। मुख्यालय सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़ी की सहायता कौन करता है? ट्रेकिया। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़ी की सहायता कौन करता है? ट्रेकिया। संघाई हिरण किस राज्य का? संघाई कहता मणिपुर। कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक से सोनम निकलना। तीन गो नदी सोनम। चलो अनुच्छेद 51 के ए किस भाग से संबंधित है? CORPA कोरपा का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 पारित हुई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोरपा। अनुच्छेद 279 के ए किससे संबंधित है? अनुच्छेद 279 संबंधित जीएसटी से। मानसीराम किन पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी। खासी पे। खासी पे। खासी अगर तो देखो नवरोज उत्सव कौन से धर्म से? मृदा अपरदन रोकने के लिए सही विधि बताओ। समोच्च रेखीय जुताई दिया। समोच्च रेखीय जुताई। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संग्रहालय अधिनियम तू ही जा के बैठो मोदी ये वो सब ना तू ही जा वही जा सामने वाला खुलना बुद्धि को वो ध्यान ना जा 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 भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया? 1910। भारत का राष्ट्र भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित हुआ है? 1910। चलो क्या हुआ? भारत के राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? दादा भाई नरोज जी। कर पे से नंबर कर पे 20 रुपया। इसके सिरोस 49 रुपया से नंबर लेना। संध्या गुरुंग किस खेल से संबंधित है? संध्या गुरुंग एकरा के दोनों चार अवार्ड मिलल बा। बॉक्सिंग से ही है। संध्या गुरुंग बॉक्सिंग। किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया है? पिंक फोर्स। ज्यादा पिंक कहां मिलला?
तट पर रंग रंग के पिंक मिली किस राज्य के पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के रोके खातिर पिंक फोर्स हाजी अली शाह दरगाह कहाँ मुंबई में समुद्र किनारा हाजी अली का दरगाह किस राज्य में है किस तट पर है वर्ली तट पर कहा था कि टीपी ओसेफ हाँ टीपी ओसेफ किस खेल से संबंधित है टीपी ओसेफ एथलेटिक्स संध्या गुरु कही था बॉक्सिंग संघाई हीरो किस राज्य के राजकीय मणिपुर टीपीओ से एथलेटिक्स पंचायती राज में महिलाओं का कितना आरक्षण है 33 में देने वाली तो 50% बिहार में 50% त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र आर बराबर 2 है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन का अभिक्रिया कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनने लगा है अवक्षेपण अवक्षेपण अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है अवक्षेपण अवर सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है परमाणु संख्या परमाणु संख्या पाचन अंतःग्रहण निष्कासन शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम दर्शाना है देखिए अंतःग्रहण पहले तब पाचन तब शोषण हो तब स्वांगीकरण तब निष्कासन मल परित्याग अंतःग्रहण पाचन शोषण स्वांगीकरण निष्कासन पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दिया गया 73वां सेल के स्थापना कब हुई शाखा बोर्ड दिखा दिल पर 74 1954 दिल बा 74 से सृष्टि रत्न इंडिया लिमिटेड सेल 74 हमारे याद 74 हटे बेल 64 हटे बेल सेल हमारे याद 74 है सेल 73 आवेला है 74 उपनिषद में उप का क्या अर्थ है निकट चाहे समीप किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पाठ्य विश्वविद्यालय शिक्षालय लॉन्च किया है ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर्याय शिक्षालय लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल पर्याय शिक्षालय पश्चिम बंगाल दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है 28 फरवरी के दुर्लभ रोग दिवस विज्ञानों दिवस 28 फरवरी घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है घोसी खुर्द सिंचाई महाराष्ट्र तब पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ न्यूलैंड कष्टक नियम अष्टक चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया गया अरुणाचल प्रदेश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाया जाता है केरल फ्यूज का तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है पतले तार में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक के सरकू के लिवर में एसीआर का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एसीआर विषाणु कर देंगे तू बताओ बी बराबर का हमला कुछ तुमने बताई किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन कारण बनता है जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और अपवर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है 0 डिग्री पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक मानसी राम किन पहाड़ी पर स्थित है खासी
भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1910 में। ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पश्चिम बंगाल प्रश्न हल्का हो जाता तुम बारे जान सर वा किसी ने दिया जी तुमने तब बोल रहा है कमाल तो चला जा बताओ एक बार बताओ बहुत जल में स्थित पिंडों की दिशा जल में स्थित पिंडों की दिशा दूरी और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल में स्थित पिंडों की दिशा दूरी और वेग मापने के लिए किसका प्रयोग? सुना 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 चींटी के डंक फार्मी कंपनी चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का सूत्र बोलो तू बोलो खाली बेकिंग सोडा NaHCO3 चलो प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? रेयॉन 1892 प्रथम मानव निर्मित रेशा रेयॉन फाइबर 1892 अग्निशमकों के लिए आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने के लिए फाइबर का उपयोग किया जाता है? अग्निशमकों के लिए आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं? तीन गो बस ये जान लो मैग्मा पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है? मैग्मा पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है? जमीन पे रैम USB, CD, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी कौन होता है? रैम किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर होते हैं? फाइलम इकाइनोडर्मेटा इंग्लिश में लिखा होता है वहां पर रहता है इकोडायनोमेटा इस पढ़ना तो लगी हुई है किस फाइलो में कर समुद्री जानवर आते हैं? इकोडायनोमेटा इकोडायनोमेटा इंडिया इंग्लिश में लिखना हम लगाओ करो मानव खोपड़ी के कुल 28 हड्डियों में से कान में हड्डियों की सही संख्या 6 और इधर को 58 बोले के बाद 57 बोल दो लो चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाया किस विधि द्वारा विकसित किया? पालक में कौन सा अम्ल है? अल्जेरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? C2H2O4 अल्जेरिक अम्ल साइट्रिक अम्ल का क्या होगा? C6H8O7 C4H6O5
बताओ मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? केशिका। मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका केशिका। केशिका इंग्लिश में लिखा कैपिलेरीज। वसा का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। बताओ पालक में कौन सा अम्ल है? जेलिकम। प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? कर्निया। प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में कर्निया पर। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी कितने जोड़ होते हैं? रीढ़ की हड्डी मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के 31 जोड़े 31 जोड़ी होते हैं। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन शाखाओं के रूप में जो संरचना है उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। इंग्लिश पढ़ना बहुत दिन हो गए किससे बनता है? जिप्सम को गर्म करने पर। जिप्सम को गर्म करने पर। जिप्सम को गर्म आधुनिक विज्ञान का जनक कोई मार दो में से। आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली। आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। कोई ना बताइए सूर्य ग्रहण कौन सा दिन लगेगा? एमसीबी का पूर्व क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मानव शरीर के सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 120 सिस्टोलिक 120 डायस्टोलिक 80 सिस्टोलिक 120 डायस्टोलिक 80। मानव शरीर में सबसे बड़ा संधि कहाँ होता है? ज्वाइंट। घुटना में। मानव शरीर में सबसे बड़ा ज्वाइंट कहाँ वाला? घुटना। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय होता है? ट्विटर फेसबुक सोशल मीडिया व्हाट्सएप में कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होती है? किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होती है? पीएच 4 लिखल बा। ऑप्शन सही है। ऑप्शन किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु जो बासन उजला चमकदार दिखाई देवल फाइब्रोइन। किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? फाइब्रोइन। चलो कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सीय उपकरण में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को काम करने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को काम करने वाला उपकरण कौन है? विद्युत बल्ब। ऑप्शन से ऑप्शन किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है?
प्रदान कर सकता है मधुमेह किस बीमारी ग्रसित व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है क्वेश्चन सुना है इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है भारत ने अपने पहला उपग्रह कब छोड़ा पचहत्तर कहाँ छोड़ रशिया में छोड़ रूस के रूस डीएनएस का पूर्व क्या है सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किस धारा का उपयोग होता है और सूक्ष्म जीव के मारे के बाद बहुत पत्तियां होता है अन्याय वाला कर देते हैं होम स्टार्ट का कहीं पूछा ही कर ले मुझे बोल के दादी को ये बता खा रही मुझे ठीक है बा कुर्सी पर अकेले नहीं कर के ये जो बैठ हो जाएगा ना कुर्सी पर अकेले बैठे होता है होता है सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किस दवा का उपयोग होता है एंटीबायोटिक हां सही बात मतलब जीव को किस संख्या जंतु है एनेलिडा जो से लेने हुई कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है ब्रोमीन अधातु हां ब्रोमीन सही बात पारा 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 अरे ब्रोमीन द्रव द्रव कमरे अधातु ब्रोमीन है अधातु पारा अधातु अधातु ब्रोमीन ब्रोमीन तो द्रव पारा पारा धातु पारा अधातु ब्रोमीन अधातु कहे तो ब्रोमीन धातु कहे तो पारा धातु कहे तो पारा ना ठीक बात द्रव देखो चलो चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है चीनी से अल्कोहल बनाने की किण्वन प्रक्रिया चलो मोदी बताओ प्रकाश का प्रतिबिंब घटना का उदाहरण प्रकाश के पर किरण जो होला है घटना का उदाहरण कौन है वो द प्रकाश करण नीला होला पिक्चर सूर्य जो तो से पहले चलो चलो ढेर बात तड़ित तड़ित में गर्जन होने पर कौन सी गैस द्वारा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन तड़ित एवं मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस द्वारा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन चलो सबसे अधिक सघन धातु कौन सी सघन वाला धातु कौन सी भूकंप तरंग अनुप्रस्थ तरंग है पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम संघन होता है वायुमंडल सबसे ऊपर वाला जल के अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट मिलाने से सोडियम कार्बोनेट मिलाने से जल का अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट के मिलाने से जल का स्थायी कठोरता वाला कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट वो लग रहा है वो कारण से हो रहा है
चला जा। मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण? एक नींद की बीमारी किस मक्खी के कटने से होता है? द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? प्रमाण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। प्रमाण में हाइड्रोजन भी है पापा ही तो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर कार्यालय और स्कूल जैसे भवन के छोटे समूह का कवर करता है? लोकल एरिया नेटवर्क। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनियम। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियम। सूर्य तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक। चलो बताओ, रक्त में शर्करा का नियंत्रण किस हार्मोन करता है? कौन सा हार्मोन? रक्त में शर्करा का नियंत्रण, शर्करा मतलब इंसुलिन। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन। चलते ना बोला है। किसी जलाशय को पोषक तत्व से समृद्ध करना क्या कहलाता है? कोनो जलाशय को पोषक तत्व से समृद्ध करना क्या कहलाता है? सुपोषक। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अन्य नाम क्या है? मॉनिटर। ग्रह के क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, तू ही बताइयो, कोई ना बताए। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? जॉन्स केपलर का। प्रोपेन का सूत्र ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? छह गो। कार्बन के छह गो परमाणु ग्लूकोज में। ग्लूकोज के सूत्र बोला C6H12O6 प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल? यह प्रकृति में, प्रकृति कुछ नहीं, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। चाल दूरी समय बल में कौन सा अदिश राशि नहीं है? तो बल। ऑक्साइड किस धातु का इसका है? एल्युमिनियम का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितनी किलोमीटर का अंतर है? 149.6 मिलियन। 149.6 किलोमीटर। कौन में रक्त किसमें पाया जाता है? बकरी में, कबूतर में, स्तनधारी स्तनधारी और पंछी में। मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया? मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया? मलावी। अवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पर होता है? संख्या पर। अकशेरुक प्राणी होते हैं सम बताए, कौन सम? अकशेरुक प्राणी होते हैं अर्थोपोडा। अकशेरुक प्राणी होते हैं अर्थोपोडा। चलो, 1922 में परमाणु की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए
किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? 1922 में परमाणु की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? नील्स हेनरिक डेविड बोहर। नील्स बोहर है। नील्स बोहर। पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 से संबंधित अध्ययन किस शाखा द्वारा की जाती है? मृदा के गठन मतलब पेडोलॉजी, चट्टान के पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? अरे नेता बोल यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 25 चौके 4 सेंटीमीटर। यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर की क्षमता थोड़ा प्रकाश की कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? प्रकाश की कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? विद्युत आवेश को किस उपकरण से मापा जाता है? विद्युत आवेश के किस उपकरण से मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर। चलो मोती विद्युत आवेश के नापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर। शरीर का कौन सा अंग एडम का एप्पल कहा जाता है? शाखा 220 का है सुपर कंप्यूटर। बुल्ले में रखने पर किसका उद्रपातन हो जाता है? फुलरेन किसका अपरूप है? फुलरेन कार्बन के। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? विखंडन। अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंड। हाइड्रा में पुनर्जनन मुकुलन हाइड्रा। चलो किस धातु का घनत्व तो सबसे अधिक होता है? उष्मीय। उष्मीय इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रोटर। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग? किस कोशिका अंग में पाचन एंजाइम होते हैं? पाचन एंजाइम कोना कोशिका में हो लाइसोजाइम से कौन को निकल रस? कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है? बी 12। किस अमीनो एसिड में सल्फर होता है? सल्फर। कौन अमीना अमीनो अम्ल में सल्फर होता है? मेथियोनिन में होला। सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या चलो बताओ ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? बताओ आधुनिक विज्ञान के जनक आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल। आधुनिक विज्ञान के
गैलीलियो गैलीली चालीस मिनट तक चलो बतावा जा आज पढ़ा तो जब बन चाहिए प्यारा नानी के कोची के बंगाल के बंगाल का तो पढ़ा दे ले रिपीट करा दी हो अच्छा सब रिपीट हो जी दिन से सब याद है आज देखा दक्षिण भारत में पढ़ दा सब तो आज केरल के पढ़ दा और नाई मुड़ी के नाम सुन ले होगा नाई मुड़ी टाइगर रिजर्व भी है इराबी कुलम इराबी कुलम केरल में सब सुनाई है और मथी कत्तल सोल्ला केरल के है प्रांबी कुलम सोला केरल के हाँ एगो पेरिया के नाम प्रसिद्ध साइलेंट वैली के नाम जानते हो देखो साइलेंट वैली जानते हो पेरियार भी जानते हो एगो अन्ना मुंडे भी जानते हो ना जाने देखो जान लो इराबी कुलम मथी कत्तल एगो प्रांबी कुलम सब टाइगर जब कहाँ बा केरल में फिर से बताइए अन्नाई मुड़ाई कहाँ है केरल में टाइगर जब इराबी कुलम केरल मथी कत्तल सोल्ला केरल अपराबी कुलम सोल्ला केरल पेरियार केरल साइलेंट वैली केरल शांत घाटी पे करेला केरल मतलब शांत घाटा साइलेंट वैली टाइगर रिजर्व किस राज्य में केरल में एक आओ कौन पूछे रहे भाई जी तीन वैली तीन वैली बताओ तीन वैली हिमाचल प्रदेश एक पूछ रहे बाल फक्रम मेघालय एक पूछ रहे दुधवा यूपी वाल्मीकि एक और बताओ तो बेतला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि बिहार दुधवा यूपी लद्दाख बताते इन टांकी का दी तो कहाँ नागालैंड टाइगर रिजर्व फिर से तेलंगाना के बताओ मथी कत्तल सोल्ला टाइगर रिजर्व केरल में अपरामी कुलम सोल्ला इराबी कुलम केरल याद हो गया आप लोग का बताइए अच्छा बताइए कालेसर पूछे थे टाइगर रिजर्व का हरियाणा हरियाणा में सुल्तानपुर हरियाणा कालेसर एगो सुल्तानपुर हरियाणा तेलंगाना की याद करते रहा तेलंगाना के देखा कल आए थी आंध्र प्रदेश और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्री सलमान श्री सलाम तेलंगाना का जब जान लो ब्रह्मा रेड्डी केशु ब्रह्मा ब्रह्मानंद रेड्डी टाइगर रिजर्व तेलंगाना कोई रेड्डी कोनो भी सीएम बना लो जाके रेवंत रेड्डी रेवंत रेड्डी तेलंगाना का पहले कोई रेड्डी रहे हो जाके तो अपने नाम भी केशु ब्रह्मानंद टाइगर रिजर्व केशु ब्रह्मानंद रेड्डी टाइगर रिजर्व कहां है तेलंगाना में महावीर हरिणा वन स्थली महावीर खाली बताई ना तो गोवा में है और महावीर हरिणा वन स्थली का है ना तेलंगाना में महावीर वाला है ओकर नाम मोला मुकरन मोला मुकरन देखो ये पूछ रहे हैं कि का मोलम टाइगर रिजर्व
गोवा में का दूसरा नाम है मोती टाइगर रिजर्व हरि यहां है गोवा में और मोलम का दूसरा नाम एक पूछने मोरलिन मिजोरम अरुणाचल प्रदेश है और मुझे तो मोलिन तो अरुणाचल प्रदेश मिजोरम के मुरलेन नाम है मुरलेन कहीं ना तो मिजोरम तेलंगाना में तीन गो तो ब्राह्मण रेडी के साथ पची एगो महावीर हरिना महावीर का इसका मतलब चलिए महावीर हरिना आईडी कॉल टाइगर जब पहले हो जाए बा आईडी कॉल टाइगर जब ये महावीर हरिना वन असली तेलंगाना में हो खाली महावीर वन जी ये कहे ना टाइगर अब तब गोवा में अब मुरगांव नहीं हुई याद रखो तेलंगाना के तो साउथ में दो गांव पड़े हुए केरल और तेलंगाना तो अन्नाई मुड़ी कहाँ के है इराविकुलम टाइगर रिजर्व मथी कत्तल सोल्ला के नाम जानते हो साइलेंट वैली बीन वैली इस तरह से लगभग सब याद हो गए उत्तराखंड के दिन पूछ ले रहे जिमकार गंगोत्री टाइगर नंदा देवी राजा जी फूलों की घाटी बताओ कि गोविंद पशु विहार वो उत्तराखंड गोविंद पशु विहार टाइगर जल पूजा चलो इस तरह से क्लियर हो गया पूरा दोनों खाली साथ के आंध्र प्रदेश बता दें का चलो साइंस में पढ़ते हैं पूछने ने एक दिन थी कुछ परिणा बताओ तो कछुआ परिणा पचाता पचाता कछुआ परिणा एक घड़ियाल परिणा पचाता याद है बाघ परिणा पचाता गिर सी परिणा पचाता गिद परिणा गिद लछुआ हाथी यही बंद हो गया हो रिकॉर्डिंग का बात हाँ नहीं चलत नहीं चलत नहीं रिकॉर्डिंग अब बूत गिर बे देखो अलग अलग राज्यों में ना अलग अलग कृषि के प्रचलित बा जैसे कि झूमिंग कृषि सब नाम सुने हो काटो जलाना सुने हो काटो जला पिछला बार आई थी काटो जला कहाँ के हो काटो जला पूर्वोत्तर भारत के होला जैसे नागालैंड ये सब में होला काटो जला खुरपा खुरपी अरे थोड़ा बॉर्न एंड समय का होला बिहार एसएससी में चैप्टर बा कृषि पढ़े बा आई ये जरूरी बा एकदम आई पंचायती राज से पढ़े बा वो मिनिस्ट्री से पढ़ दे तो पक्का है चलो देखो एगो हमनी के झूम कृषि का नहीं जा तो पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत में आसाम मेघालय मिजोरम नागालैंड पहाड़ी तो बहुत वाले की टाइप पूर्वोत्तर भारत में नहीं आते थे ऑप्शन में ना रही आसाम ना रही मेघालय तो पकड़े हुआ पूर्वोत्तर भारत का इलेक्शन से तो झूम कृषि प्रचलित है भारत के किस राज्य में चाहे बहुत बढ़िया चाहे ऑप्शन दे रही पूर्वोत्तर भारत में ऐसी आई थी पूर्वोत्तर भारत दक्षिण भारत से झूम कृषि है हरो वाला पश्चिम भारत में झूम कृषि कहा पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर में चार राज्य आसाम मेघालय मिजोरम नागालैंड ठीक ना अब देखो कुमारी कृषि के नाम से लोग पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट का तो गोवा गुजरात से लेकर के नीचे यहाँ कहाँ तक केरला तक पश्चिमी घाट के अंतर्गत आ जाना जो क्या पश्चिमी घाट का कुमारी कृषि जैसे झूम कृषि के ही नाम दूसरा वाला स्थानांतरित कृषि जैसे भाषा में कह लो ना वही बात बा तो ये कुमारी कृषि प्रचलित है पश्चिमी घाट में एवं झूम कृषि चार राज्य असम मेघालय मणिपुर नागालैंड अब तो केरल के ओणम प्रचलित बा फेस्टिवल ही मनेला ना तो ओणम तो ठीक बा पूनम याद रखा
ओनम ओनम कृषि खाद किस राज्य में केरल ओनम से तो प्रसिद्ध हुआ ओनम से भी प्रसिद्ध हो जाए ओनम कृषि खाद किस राज्य में केरल में अब देखा एगो पढ़ला अथी दक्षिण पूर्व राजस्थान राजस्थान के क्षेत्र में देखा तो दक्षिण पूर्व मैप से देख लीजिए अपना तो वो जा बलरा कृषि प्रचलित है हाँ कि भारत के किस राज्य में बलरा कृषि प्रचलित है राजस्थान राजस्थान के दक्षिण पूर्व में राजस्थान बता दे तो देखो एगो मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत में आवेला लेकिन पूर्वोत्तर भारत में भाई झूम कृषि प्रचलित ना रहे ओकर झूम नाम नहीं कहते मणिपुर में होना तो पामरू कृषि खिल कृषि होगा खिल कहाँ ले जाते हैं खिल जैसे कि घास उसे सालों में तो काट लेकर निकल रहेगा तो हिमालय क्षेत्र में जो है ना उधर होगा खिल मोर जल हिमालय क्षेत्र में उधर देखो ना पेड़ पौधा भी ना इसे शंकु का काम करता है बर्फ गिरे ना तो नीचे चल जाएगा और उधर भी उसी का काम किया जाता है तो खिल ऊपर का जल जैसे लगा लगा पहाड़ी के से निकल रहेगा कहाँ हिमालय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र तो खिल कृषि भारत किस राज्य में हिमालय क्षेत्र जरूरी की हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र जहाँ हिमालय क्षेत्र खिल कृषि कहाँ प्रचलित है कुछ नहीं अभी के पामलू मणिपुर बालरा हमारी कृषि कृषि ओनम एगो देखो याद रखा है दीपा कृषि दीपा को नाम रहेगा तो दीपा देखा कहाँ बा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में रहेगा अंडमान निकोबार में आप देखो इसे छत्तीसगढ़ में और भी कृषि होला जैसे बीबर होला दहिया होला मसान होला पेंडा होला बीरा होला तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और भी प्रचलित बा लेकिन एगो याद सब बता देगा खाली भी बता देगा पाँच छह खाली याद करा मुझे बस ये याद करा जो रिपोर्टेड बा खत्म हो गई दीपा कृषि अनुमान को बारे में अनुमान को बारे में पर्चे जिनमें से कौन सी कृषि दीपा दीपा तो सब पता है क्या तो अनुमान को बारे में दीपा हिमालय क्षेत्र में खील खील मणिपुर में पामलू 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 अब केरल में हमारी कृषि कौन है अब बता दो कि झूम कृषि पूर्वोत्तर पलामू कहाँ बा मणिपुर पोमलू उल्टा पलामू ना होगा मणिपुर में पलामू पलामू हमारा बस कसो याद रहे के चाहिए कि हे से तो जा हे से याद पड़े के चाहिए मां बाय मेमोरी दो नाम सब के नौकरी तक कोई याद रहे के चाहिए चलो बताओ पोषण में कल कुछ पढ़ने नहीं जा एक बताओ कुछ विचार को अच्छा बम करो तो एक सुनेत राम कैसे ये कारण चाहिए पिला कर पिला रहा करो बहुत बढ़िया अच्छा बताओ अच्छा बता रहे हैं कि जो माता जी स्तन पान कराने वाली माता होती उनको सामान्य कार्य अच्छा बताए कि हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन कौन बना रहा है अच्छा दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है लैक्टोज बताइएगा अच्छा दांत अवस्थियों की रचना या रुधिर स्पंदन तंत्रिकाओं या पेशियों का कार्य कौन करता है कौन सा तत्व
दांत और हड्डी की रचना अम्ल क्षार संतुलन एटीपी डीएनए ये सब कौन करेगा फास्फोरस दांत ऐसे बोलो ना दांत हड्डी में कैल्शियम फास्फेट का सही करेगा अच्छा जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन बनाएगा कौन सा क्लोरीन तो पूछा तो निकल गया जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है कौन सा क्लोरीन खाली हम क्षार का फास्फोरस हां जी जठर रस में कोई तो कलर है अब बताइएगा कैसी मीर फॉर्म ने किस पोषक तत्व की खोज किया था अच्छा विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ माने कौन कौन से मिलेगा गाजर पालक हरी सब्जी बी 12 एक रासायनिक नाम है इस्तेमाल में रसायनों को बारे छठे फल में कौन सा विटामिन सी ए सी हां भरे खाते ये सिलोसिस नामक रोग किस विटामिन के कमी से बी2 हां बी2 आयो थायमिन माने कौन विटामिन बी1 जल में घुलनशील बताइए बी सी तेलाग्रा और स्कर्बिक नामक बी3 उसके कमी से रोग कौन अच्छा रक्त का थक्का बने कौन से विटामिन किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम विटामिन ई विटामिन ई हार्ट का प्रॉब्लम स्कॉर्पी कम देता है जान क्षमता में देखा किस विटामिन कमी से शरीर की